बिहार में सीएम नीतीश कुमार के लिए कुर्सी इस बार कांटों भरा ताज है। वैसे तो इसका अंदाजा उसी दिन हो गया था जब बीजेपी की अधिक सीट होने के बाद भी नीतीश को कुर्सी थमाई गई, लेकिन उसके बाद जो खेल चल रहा है उससे नीतीश कुमार को भी अंदाजा हो गया है कि वो ज्यादा दिनों तक सीएम नहीं रहने जा रहे हैं। पहले तो नीतीश को काबू में रखने के लिए बीजेपी ने बिहार में दो लोगों को डिप्टी सीएम बनाया है और उसके दिग्गज नेता शहनवाज हुसैन को भी एमएलसी बनाकर बिहार की राजनीति में एंट्री करा दी है। नीतीश बीजेपी के हर चाल से वाकिफ है, इसलिए अब वो खुलकर बोल रहे हैं कि वो ज्यादा दिनों तक मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे और बीजेपी में ही उनकी कुर्सी जा सकती है। नीतीश के इस बयान से बिहार की सियासत गर्मा गई है। पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर जयंती के अवसर पर नीतीश कुमार ने इस बात के संकेत दिए। नीतीश कुमार ने कर्पूरी ठाकुर का जिक्र करते हुए अप्रत्यक्ष तौर पर कहा कि उनको भी कार्यकाल के बीच ही सीएम की कुर्सी से हटाया जा सकता है। नीतीश कुमार ने जननायक का जिक्र करते हुए पूछा कि उनके साथ आखिर अन्याय क्यों हुआ, जबकि वो अति पिछड़ों के सबसे बड़े हितैषी थे। कर्पूरी ठाकुर को 21 अप्रैल 1979 को सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा था। नीतीश कुमार जननायक के दूसरे कार्यकाल की तरफ इशारा करते हुए ये बात कर रहे थे। नीतीश ने कहा कि नाराज लोगों ने 2 साल और कुछ महीने में ही उन्हें पद से हटा दिया, जबकि उन्होंने समाज के सभी वर्ग के हितों का ख्याल रखा था। नीतीश ने कहा कि कभी कभी सबके हित में काम करने वाले लोगों से भी कुछ लोग नाराज हो जाते हैं। नीतीश ने कहा कि कुछ लोग सिर्फ सत्ता का सुख लेना चाहते हैं, लेकिन हमारे लिए सत्ता का बस एक मतलब है और वो है सेवा। लोगों की सेवा करना ही हमारा धर्म है। इसके बाद सवाल यही उठ रहे हैं कि आखिर वो कौन लोग हैं जो सत्ता का सुख लेना चाहते हैं, नीतीश का इशारा किसकी तरफ है। जो भी हो, लेकिन नीतीश कुमार के बयान से एक बार फिर साफ हो गया कि बिहार में बीजेपी और जेडीयू में सब कुछ ठीक नहीं है, भीतर भीतर कुछ खिचड़ी पक रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।